जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी छिन्न भिन्न हो गई है, मैं समझता हूं जो लक्ष्य मैंने रखा है निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। कांग्रेस पार्टी के आज स्थिति क्या है, वो रामलाल ठाकुर रामलाल के जो आंसू थे उससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। स्वयं कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपने बयान में कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हमारी बात को नहीं सुनते, सीनियर लोगों की बात को नहीं सुनते, और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने सीधा सीधा इस बात को कहा है कि राहुल गांधी और उनकी जो युवा टीम है वो सीनियर लोगों को तवज्जो नहीं देती। उन्होंने गुलाम नबी आजाद का उदाहरण भी कोट किया है कि गुलाम नबी आजाद ने अपने रिजाइन देते समय इस बात को रखा कि उनकी सुनी नहीं जाती, और ये बात कांग्रेस के कई लोग कह चुके हैं। स्वयं आनंद शर्मा जी ने स्टीयरिंग कमेटी से रिजाइन दे दिया, रामलाल ठाकुर ने अभी पिछले दिनों ही अपने बयान में कहा कि मैं सीनियर मोस्ट हूं, 1985 से मंत्री हूं, इसके बावजूद भी मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। और ये बात भी उनकी सुनने में आई है कि हर गली कूचे में जो है उपदाधिकारी बना दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज जो अंदर की बात कांग्रेस पार्टी में जो चल रही है वो सामने मुखर हो रही है, और यही कारण है कि इनके बड़े नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों में शामिल हो रहे हैं। और ये बात अब तय है, ये बात अब निश्चित रूप से सिद्ध हो रही है कि जो हम बात कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाएगी, ये बात कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष के बयानों से साबित हो जाती है। उन्होंने तो राहुल गांधी जी के बारे में यह भी कहा कि उनको सारे जो सीनियर लोगों के मुद्दे हैं उनको भी उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको भी हल करना चाहिए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, वो टाइम नहीं दे रहे हैं, और यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है कमजोर हो रही है करने वाले हैं। और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है जब माननीय प्रधानमंत्री जी युवा मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने लक्ष्य रखा है कि एक लाख से ज्यादा युवा, केवल युवा 40 वर्ष से कम आयु के युवा जो प्रदेश भर से इस रैली का हिस्सा बनेंगे, हर बूथ से 20 युवाओं को लाने का लक्ष्य रखा गया है, और एक ऐतिहासिक रैली ये होने वाली है। और चुनाव से पहले, क्योंकि हम चुनाव में शीघ्र ही जाने वाले हैं, उस दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन का एक कार्यक्रम, क्योंकि युवा मोर्चा जो हमारा बाहुबल है, जिसके अंदर एक क्षमता है, और चुनाव परिणाम में अपनी तरफ मोड़ने का उनके अंदर मादा है, ऐसे समय में उन युवाओं का उत्साहवर्धन करना निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में युवाओं के अंदर जहां नई ऊर्जा का संचार करेगा, वहीं पूरे प्रदेश भर से युवाओं का मोबिलाइजेशन इस कार्यक्रम के लिए होगा। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से प्रदेश में विराजमान हो, और जो रिवायत बदलने का हमारा लक्ष्य है
निश्चित रूप से उसमें हम कामयाब होंगे। प्रतिभा जी ने उसके बाद ये भी कहा कि उनका जो बयान था उसको तोड़ मोड़ कर पेश किया, लेकिन ये उनकी पुरानी आदत है। पहले भी उन्होंने जब गुड़िया के ऊपर बयान दिया था तब भी उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि ये छोटी मोटी घटना है और बाद में अपने बयान से मुकर गई थी। उपचुनाव के समय में उन्होंने कारगिल युद्ध को युद्ध मानने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से उनकी जो मानसिकता है उनके ही कुछ परिवार के लोग जो बयानबाजी मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जिन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर किस खेत की मूली हैं, मैं समझता हूं ये जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं इनके बयानों से स्पष्ट रूप से झलक रही है। और यही कारण है कि आज जो परिवारवाद की राजनीति है वो चाहे केंद्र में है या प्रदेश में है, उससे कांग्रेस के नेताओं का मोह भंग हो गया है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा दावेदार हो गए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी बड़ी है और कांग्रेस के कारण का एक बहुत बड़ा, कांग्रेस के पतन का एक बहुत बड़ा कारण जो है मैं समझता हूं वो अब सबके सामने है। तो यह तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार रिवाज बदलेगी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में विराजमान होगी। देखिए, हम किसी के अपना सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का है, किसी के कौन क्या करता है, आम आदमी क्या करती है, कांग्रेस क्या करती है, उस विषय को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। भारतीय जनता पार्टी समय के ऊपर कैंडिडेट्स का चयन करेगी, जो जीतने की क्षमता रखते हैं उनको टिकट दिए जाएंगे और जब हमारी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद हमारा जो शीर्ष नेतृत्व कैंडिडेट तय करेगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। तो मैं समझता हूं इस विषय को हम अपने शीर्ष नेतृत्व के ऊपर छोड़ते हुए जब भी आगामी कोई कार्रवाई होती तो आपके ध्यान में लाएंगे। कश्यप जी, मेरा सवाल ये है कि आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त, लेकिन जो आपकी पार्टी में नेता कांग्रेस से आ रहे हैं तो वो तो कांग्रेस युक्त हो रही है आपकी पार्टी? नहीं देखिए ऐसा नहीं, मैं वैसे अभी तो कांग्रेस मुक्त वाली बात अभी तो नहीं कही है, लेकिन चलो आपने प्रश्न पूछा है, लेकिन यह बात सही है कि पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो गया है और आज केवल मात्र दो राज्यों में इनकी सरकार बची है। सबसे पुराना राजनीतिक दल आज लगभग विलुप्त होने के गगार पर है। चार राज्यों में हमने देखा किस प्रकार से कांग्रेस का क्या असर हुआ और हिमाचल प्रदेश में भी आप इस बात को स्वयं देखेंगे तो पूरा देश कांग्रेस मुक्त जो है हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है, देश और प्रदेश में जनता एक और विषय कहती है। नहीं है, देखिए कानून अपना काम करता है, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। एक उदाहरण जो नेता भाजपा में आया हो और उसके बाद भाजपा में होने के बावजूद कार्रवाई की गई? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि जो भी गलत करेगा उसको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। गलत काम करने वाले को जो है जो उसने किया है उसकी सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि जब से 8.5 वर्षों में भाजपा की सरकार बनी है कोई भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे किसी नेता के ऊपर नहीं लगा और मैं कहना चाहूंगा कि एक स्वच्छ सरकार देने का काम हमने किया है। सर, आप कह रहे हैं कि रैली हो रही है प्रधानमंत्री